विधानसभा जलालपुर में उपचुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। सपा के वरिष्ठ नेता भीम निषाद ने जलालपुर में किया दर्जनों नुक्कड़ सभाएं। खबर अम्बेडकर नगर की है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता भीम निषाद ने विधानसभा जलालपुर में उपचुनाव की तैयारी में सैकड़ों समर्थकों के साथ लगकर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके सपा के पक्ष में मतदान किए जाने की अपील कर रहे हैं। ग्रामीण एवं जलालपुर शहरी क्षेत्र में रात दिन पार्टी को जिताने में लगे क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा का टिकट भीम निषाद को दिया तो काफी मतों से सपा की जीत हो सकती है। यादव जैसे मुख्यमंत्री को पुनः ये प्रदेश पुकार रहा है, डिमांड है, मांग है, क्योंकि जनता कह रही है कि मोदी जी से बैर नहीं है, योगी तेरी खैर नहीं है, ये जनता कह रही है। सांड से परेशान, सांड भैंसा से परेशान, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, वही जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं की हर जगह चल रही है, समझ रहे हैं, चल रही है। बाकी जो वास्तव में सर्व समाज में जो निरीह है, गरीब है, उनको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। आए दिन इस प्रदेश में हत्या बलात्कार चरम सीमा पे है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के बदले में हत्या प्रदेश इस समय बन गया, बना है कि नहीं, बता दीजिए आप लोग पत्रकार। इस समय प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, तो प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन हत्या हो रही है, और इसको अगर कोई रोक सकता है तो ये दम केवल किसी में है, तो श्री अखिलेश यादव में, कोई और इस धरती पे कोई मुख्यमंत्री नहीं रोक। उपचुनाव में 13 का 13 सीट, मैं कहता हूँ पूरा नहीं, लेकिन 13 सीट में सबसे ज़्यादा बहुमत हम लोगों की हो। चुनाव लड़ना लड़ना ना लड़ाना, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। पार्टी के मुखिया हैं, हम लोगों के रहनुमा हैं, अग्रज हैं, वो समीकरण बनाएंगे, देखेंगे कौन लड़े, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। यहाँ धरती है मेरी धरती है, यहाँ मैं निर्दल चुनाव लड़ करके आप सबको मालूम है तीसरे स्थान पर निर्दल लड़ा हूँ कि नहीं। जब यहाँ तीसरे स्थान पे मैं निर्दल लड़के राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस लड़ रही थी, भाजपा लड़ रही थी, उस समय भाजपा को मैंने 8-12 हज़ार के आसपास वोट पाए और कांग्रेस के लोग 8 हज़ार पाए, हम उनका 4 गुना वोट पाए, निर्दल पाया था कि नहीं।